सर्वज्ञानी परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। नीति वचन उसका 11वां अध्याय और 29वां वचन। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए भवन जो एक स्थापना है इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर पर शरणागत हो। अपने भवन को दुख पहुंचाने वाले भी हैं और अपने भवन को बढ़ाने वाले भी हैं। हर एक भवन के अधिकारी उस भवन के माता पिता हैं और भवन के दीपक परमेश्वर के द्वारा दान दिए गए बच्चे हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम, क्षमा और देखरेख ना होने के कारण अनेक परिवार एक अचानक आने वाले भूस्खलन की अवस्था में हैं। हम जानते हैं लैंडस्लाइडिंग के बारे में, जहां अचानक भूस्खलन होता है वहां सब नष्ट हो जाता है और वहां कुछ नहीं बचता, वह जगह उपयोगहीन हो जाती है। अनेक परिवार भी ऐसे ही चल रहे हैं। अचानक जब कोई छोटी सी परेशानी आ जाती है तो पहले से जो कड़वाहट का अनुभव अंदर ही अंदर था उसके कारण वह परिवार एक भूस्खलन की अवस्था में आ पहुंचता है और परिवार तितर बितर हो जाता है, जो फिर कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता और नाश होने की अवस्था में आ पहुंचता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जिस भवन में रखा है उसे हम किस प्रकार संभाल कर रखते हैं, यह इस सुबह हम अपने आप को जांचें। हम चारों ओर अपनी नजर घुमाएं तो कितने स्थापनाएं और संगठन हर दिन और हर क्षण स्थापित होते जा रहे हैं। हर एक संगठन के लिए अपना एक लक्ष्य होता है और कार्यशैली होती है, परंतु मनुष्य जब से है उतनी ही पुरानी और स्थायी यदि कोई स्थापना है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया भवन और परिवार है। हम उसे एक मेल मिलाप की स्थापना भी बोल सकते हैं, क्योंकि वह तभी स्थिर रहता है जब वहां के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। वह अनेक लोगों के लिए एक शरण स्थान है और एक उम्मीद की किरण है। वहां पर वास्तविक व्यक्तित्व का चित्रण होता है, परंतु आज प्रार्थना का महत्व कम होने से अनेक भवनों में यदि कोई प्रार्थना का विषय बोला जाता है तो पति पत्नी से और पत्नी अपने पति और बच्चों से वो विषय साझा नहीं करते हैं। यदि कोई आशीष का विषय पांच अंगों वाले परिवार में बताना है तो आज के समय में हर एक को अलग अलग बताने की जरूरत है। इसके विपरीत यदि किसी की बुराई, चुगली या समाज में किसी के पराजय का विषय हो तो वो जंगल के आग के समान फैल जाती है। बच्चों में यह कितनी नकारात्मक सोच लेकर आ सकती है इस बात का विचार हम नहीं करते, और परिवार में अपने भाई बंधु की, परिवार की, प्रभु के दासों की बुराई करते हम नहीं थकते। हमारा अपना भवन जो एक अति महत्वपूर्ण स्थापना है उसे हम अपने शब्दों से उसका पतन करते हैं। आज हम अपने आप को जांचें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। एक बार एक महिला संगठन के कार्यकर्ता एक घर में गए और वहां की गृहनायिका को अपने संगठन के कार्यों का भकान भली भांति करके उनसे पूछा कि क्या आप हमारे संगठन का हिस्सा बनेंगे। उसके उत्तर में वह गृहनायिका बोले, मुझे आपके संगठन के कार्य रीति सब काफी पसंद आए, लेकिन आपके संगठन में कार्य करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपको इतना क्या काम है, आप तो कहीं काम नहीं करते और घर पर ही रहते हो। आप अपने प्रतिभा को नष्ट मत कीजिए और हमारे संगठन का हिस्सा बनके आप कार्य क्यों नहीं कर लेती, ऐसा उस संगठन के सचिव ने उस महिला को पूछा। वह गृहनायिका उत्तर में बोली, मैं एक दूसरे संगठन का अंग हूँ। तब वे लोग पूछे, वो कौन सा संगठन है, उसका अध्यक्ष कौन है। उत्तर में वह गृहनायिका बोली, उस संगठन और स्थापना के अध्यक्ष मेरे पति हैं।
संगठन के लोग ठट्टा करते हुए पूछने लगे कि उस स्थापना का लक्ष्य क्या है, क्या क्या कार्य वहां होता है, यह हम जानना चाहते हैं। बहुत ही नम्रता पूर्वक वह गृहनायिका ऐसा बोली कि इस स्थापना में बच्चे हैं, उनका पालन पोषण, अध्ययन, उनका भोजन, उनका स्वास्थ्य, उनके आगे की पढ़ाई, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए निरीक्षण करना, यह सब हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। एक बार फिर मजाक उड़ाने के भाव से वे लोग पूछे, आपकी स्थापना का नाम क्या है? बहुत ही गंभीर भाव से वह गृहिणी बोली, इस संस्था का नाम है परिवार या कुटुंब। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप बहुत बड़े स्थापना के अधिकारी हों, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है आपका परिवार रूपी स्थापना, जहां परमेश्वर ने आपको रखा है। उसे आप दुख ना दें, निराश ना करें, परंतु उसे हमेशा आगे बढ़ाएं और परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अपना जीवन बिताने वाले बने। अनेक भवन के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करने वाला आपका भवन बने। हैव ए ब्लेस्ड डे।